वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज अपन लोग पढ़ेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, यानी कि इसका चार ऑप्शन आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो मैंने चार ऑप्शन है लिखा है, आपको थंबनेल में मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी टाइप का ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, मेन तो अपने लोग का क्वेश्चन बनाने से है, क्वेश्चन बनाएंगे जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में से चूज करके टिक मार देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो बनेगा दो तरीका से बनेगा, तो मैं अभी आपको दोनों तरीका बताऊंगा। फर्स्ट मेथड में कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन उतार दूंगा। ठीक है, यहाँ पे वाट है, वाट के जगह पर ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर दे सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं है। ये यहाँ पे उतारूंगा। देखिए, थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता रहना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे करके 3 यहाँ पे वाट लगा दूंगा सेंड। ठीक है, 729 को मैं क्या करूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा, जैसा कि आप लोगों को आता होगा, बचपन से अपने लोग पढ़ते आ रहे हैं। 729 को जैसे कि हमें आता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 3 का पावर 6। ठीक है, आप लोग ऐसे करके करोगे। ठीक है, यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओड है, तो 2 से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ओड है, इवन रहेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो 3 से लगाएंगे, 3 से लग जाएगा। 3 से लगाने का टेक्निक क्या है, 9 दो 11 और 7 18, तो यानी कि सबको जोड़ेंगे, वो 3 से अगर आएगा तो सब 3 से लग जाएगा। तो इस हिसाब से आपको अपना करना है इस टाइप का। ठीक है, तो 6 को आएगा तो 729 को हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, आप लोग करिएगा, ये होमवर्क हो गया, कोई दिक्कत होगा तो पूछना है, और इतना तो आना चाहिए आप लोग को। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 का पावर 6 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बचपन से अपने लोग एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ये देखो एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ पे 5 होता है, तो एक्स ये जो स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे रूट आ जाता है। स्क्वायर जो हटता है तो रूट होता है ना, तो इसका उल्टा हम नहीं कर सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो गया, ये अगर ये रूट में रहेगा, अगर ये रूट में रहेगा और यहाँ पे मान लीजिए कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये जो है, तो ये जो ये हटा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो उल्टा हो सकता है ना। देखिए, ये स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर हटा तो रूट में आ गया, तो फिर एग्जैक्टली इसी का उल्टा क्या होगा, रिवर्स क्या होगा, ये रूट में है तो ये जो इधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। तो यानी कि कर सकते हैं ऐसा, यानी कि देखो इस टाइप का, देखो ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ये है, ये जो हट जाएगा तो ये तरफ के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये अगर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो मतलब उल्टा मुल्टा हो सकता है। तो यानी कि मैं यहाँ पे यही चीज अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 3 का पावर वाट लिख दूंगा। ठीक है, ये जो रूट है यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। देखिए, मैं हर एक वीडियो में लगभग बोलता हूँ, मतलब इस टाइप का सवाल कभी भी बताता हूँ, तो ये छुपा रहता है, 2 यहाँ पे क्या छुपा हुआ था, लेकिन 3 में 3 देना जरूरी है, लेकिन 2 में नहीं भी देंगे तो चलेगा। अगर यहाँ पे 3, सर आपको कैसे पता, देखिए नहीं है कुछ तो 2 ही हो गया। ठीक है, अगर 3 इसको देने का रहता बुक वाले को, ठीक है, यानी कि किताब वाले को, यानी कि लेखक को, ऑथर को, ठीक है, तो यहाँ पे वो 3 देता, लेकिन अभी नहीं कुछ दिया तो यानी कि 2 दिया इस हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे तो अब यहाँ पे 3 का पावर 6 हो गया। आपको मैंने अभी क्या बताया, ये जो है, ये जो रूट है, आप यहाँ पे रूट नहीं दियो तो ये नहीं दियो रूट, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है छुपा हुआ है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, बराबर, अब 3 का पावर क्या हो गया, वाट हो गया। अब यानी कि बचपन से अपने लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो 1 का पावर m रहेगा और यहाँ पे n रहेगा, तो 1 का पावर mn होगा ना, दोनों में गुना करते हैं ना, कोई भी ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो m को n से गुना करेंगे तो mn होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यानी कि देखिए, 3 है 2 है और यहाँ पे 5 रहेगा, तो गुना करेंगे तो 3 2 5 कितना हो गया, 200 गया ना, ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने लोग देखो रूल भी यहाँ पे साथ साथ अपने लोग क्या करते हैं, लिखते चलेंगे। 1 का पावर m होगा, कुछ भी दे सकते हो, ए है बी दे सकते हो, mn के जगह पे pq व्हाटएवर कुछ भी दे सकते हो, मुद्दा है समझना। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो 3 हो गया, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में बेस क्या है, ये 3 जो है ना, 3 को बोला जाता है बेस और इसको बोला जाता है पावर, 3 को बोला जाता है बेस यानी कि आधार, इसको बोला जाता है घात यानी कि एक तरीका से पावर। अब हमें बताओ दोनों का बेस सेम होता है तो क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स का पावर 2 रहेगा, ठीक है, और एक्स का पावर 2 रहेगा इस हिसाब से रहता है, और 5 का पावर भी 2 रहता है, तो ये जो रहता है सेम, तो ऐसे ऐसे भी करता है तो पावर भी करता है। अगर एग्जैक्टली अगर ऐसा रहेगा अब मान लीजिए एक्स का पावर मान लीजिए p रहेगा, ठीक है, और एक्स का पावर मान लीजिए 2 रहेगा, तो ये जो है ये बेस भी मतलब एक जैसा, या तो पावर है तो कर जाएगा, या तो बेस रहे यानी आधार है तो कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या हो जाएगा, कर जाएगा। तो यहाँ पे वाट के जगह पे क्या दे देंगे अपने लोग, 12 दे देंगे। तो ऑप्शन में अगर जो रहेगा, ठीक है, 12 तो रहेगा ही, नहीं तो या तो 2 ही चीज रह सकता है, या तो इनमें से कोई नहीं तो कोई नहीं। तो यानी कि देखिए 12 रहेगा तो 12 में टिक मारना है,
मतलब जो चार वो ऑप्शन जोड़ेगा ना उसमें टिक माना है, तो उसमें 12 आएगा तो 12 में टिक माना है, अगर 12 नहीं आएगा तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपने लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप समझोगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको प्रैक्टिस करो, आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। इसका सेकंड मेथड कैसे करेंगे से देखो, सेकंड मेथड क्या करेंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, चूंकि पेज है सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड सबसे पहले तो क्वेश्चन उतारेंगे ही, ठीक है, इस हिसाब से ये, तो इसका थोड़ा सा ट्रिक लगाओ, यहाँ पे दो क्या है छुपा हुआ है ना, तो दोनों दोनों और स्क्वायर कर दो, तो लिख दो दोनों और वर्ग करने पर, यानी कि ऑन, या अंग्रेजी मीडियम से भी लिख सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ सेट्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ सेट, दोनों और वर्ग करो, दोनों और क्या करो वर्ग करो, वर्ग करने पर, अब हिंदी में भी लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा, दोनों और वर्क करो। अब दोनों और वर्क क्यों करेंगे, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर कट जाएगा ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए तीन का पावर यहाँ पे क्या हो गया, वाट हो गया, और यहाँ पे 729 हो गया, यहाँ पे 9 है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा दोनों और स्क्वायर करेंगे तब ना फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर एक आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अब स्क्वायर क्यों, दूसरा चीज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, टेक्निक से याद करो, ठीक है। नहीं तो देखो मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे तो ये मेथोड थोड़ा अच्छा है, ठीक है, ये मेथोड सीखिएगा। अब हाँ दोनों सुख आपका मर्जी है, दोनों हाथ में लड्डू रहेगा। अच्छा ये फिर यहाँ पे इस टाइप का आपको यहाँ पे ऐसे करके उतार देनी है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे ठीक है √3 पावर में ये है, ऊपर में उसका। अब बताए इसको दो बार लिख दो, दो बार, एक बार लिख दो और ये दो बार लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे हो गया ये, अब यहाँ पे ऐसे करके बराबर दे दो, फिर इसको ऐसे करके लिख दो, इसको चुपचाप टच नहीं करना है, इसका यहाँ पे वाट है, ऐसे करके दो दे देना है। अब देखो 729 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 6, अब ये मैंने नहीं बताया है पीछे, ठीक है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको भी लिख सकते हैं 3 का पावर 6, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे मैं यहाँ पे अलग कॉपी में बताता हूँ, एक सेकेंड, चलिए यहाँ। अच्छा पहले इसको मैं हमको भरने दीजिए, ये यहाँ पे हो गया, फिर देखो √3 हो गया, यहाँ पे पावर वाट हो गया, ठीक है, ऊपर में स्क्वायर है स्क्वायर हो गया। अब देखिए गुना में पावर जुड़ता है, 3 का पावर 6 हुआ, 3 का पावर 6 हुआ तो 3 का पावर 12 भी लिख सकते हो आप, नहीं तो 3 का पावर बेस्ट देगा, 3 का पावर ये 6 का पावर, ऐसे करके दो दे दो, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत, अब देखो अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो अब ये हो गया, अब इसके आगे मैं बताता हूँ, यहाँ तो कोई दिक्कत होगा तो कन्फर्म करना है। देखो यहाँ से आगे मैं इसको मैं बताता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं ये दे दूंगा, इसको ऐसे में दे दूंगा, इलेन को पहले मैं उतार देता हूँ, ठीक है, इस हिसाब से इसको मैं ऐसे करके उतार देता हूँ, 3 का पावर 6 यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं चुपचाप इसे करके उतार दूंगा और ये यहाँ पे स्क्वायर दे दूंगा। अब बताओ 3 3, अब देखो छोटना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया √3 वाट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे ऐसे करके √√3 पावर क्या है, ई वाट है, ठीक है। अब नहीं तो यहाँ पे एक चीज आप गौर भी कर सकते हो, यहाँ पे अपने लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, थोड़ा सा मिस्टेक क्यों कर दिए, देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर जो है तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा ना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, ये इस टाइप का, यहाँ पे ये नहीं होगा, केवल ये होगा इस टाइप का ये, ठीक है। तो ये मतलब देखो ऐसे करके ये जो था ना इस टाइप का, तो ये जो स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, ठीक है। तो ये सिंपल क्या बचेगा, ये बचेगा, यानी कि इस टाइप का देखो √7 है, इसको जो ऐसे करके 2 लिखेंगे ना, तो 2 लिखेंगे तो √7 को 2 बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे और 2 बार लिखेंगे, तो 2 √7 है, तो 1 √7 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कट जाएगा, 3 रहेगा तब कट जाएगा, 7 हो जाएगा, थोड़ा सा गलती हो गया उसके लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल ये है, ठीक है, यहाँ पे केवल ये है, ये वाला है, ठीक है, ये यहाँ पे घोच हो गया, यहाँ पे ये है, ये वाला है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो इसका हटा दो, इसका जगह पर ये वाला कर दो, यहाँ तो दिक्कत। यहाँ भी देखो यहाँ पे देखो 3 का पावर वाट हो गया, 3 का पावर वाट हो गया, ठीक है, क्यों हो गया तो ऐसे करके था ना, ऐसे करके था ना, ये तो ये जो 2 बार लिखेंगे तो वही का वही हो जाएगा ना, तो ये वोट कट जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा गलती हो गया, तो आई हम्बली सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 का पावर क्या हो गया, 12 हो गया। अब बताओ ये वाला यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये 12 आंसर, ठीक है। यानी कि
मन में काटेंगे यहाँ पे सोने करना है, ये वाला रूट कट गया तो तीन का पावर वाट हो गया, तीन का पावर वाट या तीन का पावर एक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने दिया है ठीक है, ये यहाँ पे ये फिर यहाँ पे ये तो चलो ठीक है। फिर अंदर फिर बाद में क्या गया, तीन का पावर वाट, तीन का पावर वाट भी ऐसे में कट गया वाट का मान 12 हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा पक्का। थैंक यू।